गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ मी आसित कुमार यादव। एज वी नाउ यस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड सम वाज रिमेंड यस्टरडे बिकॉज बच्चा लोग खेल रहे थे गली में और आवाज़ आ रहा था, इसके कारण हम वीडियो बंद कर दिए थे। तो आज हम लोग जितना बाकी का क्वेश्चन कल का रह गया था उसको आज पूरा करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको जल्द से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियोस। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग कल 12 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कर लिए थे, तो आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज और पढ़ लिए थे सब कुछ जो भी फेज होता था। चलिए आज देखते हैं, आज 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डेट इज, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। इसमें ओवरी का जो डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में वो आप लोग बना लीजिएगा। सेक्शन थ्रू ओवरी का नाम लेकर के कोई फिगर नंबर हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, भूल गए होंगे, तो आप लोग उसे डायग्राम इसको बना लीजिएगा और उसका सेक्शन मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना तो उसका मतलब दिया रहता है एरो करके कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो ए लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फोलिकल। तो ग्राफियन फोलिकल का भी डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी बुक से आप लोग ग्राफियन फोलिकल का डायग्राम बना लीजिएगा और उसका नेम लेवल कर दीजिएगा, जिससे कि फिगर को पहचानने में अच्छा रहता है, नेम लेवल रहता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन होता है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इसका फंक्शन बताना है जो क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है इसके बारे में हम लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। सिक्रेट प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, कौन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हम लोग क्या है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इंडोमेट्रियम क्या करता है, साइट एंड जगह प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन होता है तभी तो प्रेगनेंसी जाता है ना, प्रेगनेंसी होता है इसीलिए इम्प्लांटेशन के लिए कौन जगह प्रोवाइड करता है, ये इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट देखते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, हेड ऑफ द स्पर्म है। एक्रोसोम क्या सिक्रेट करता है, क्या फंक्शन है इसका, सिक्रेट स्पर्म लाइसिन टू पेनिट्रेट द ओवम। ये क्या सिक्रेट करता है, स्पर्म लाइसिन हार्मोन सिक्रेट का, स्पर्म लाइसिन एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि पेनिट्रेट यानी ओवम को भेदन में हेल्पफुल है, तो होता है ओवम के पेनिट्रेट द ओवम में हेल्पफुल होता है। लास्ट इस देखते हैं क्या है, डी नंबर स्पर्म टेल। स्पर्म टेल का क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म, जो कि स्पर्म जो होता है उसका मोटिलिटी यानी मूविंग में हेल्प करता है। लास्ट वन इज़ द फिम्ब्रई। व्हाट इज़ फिम्ब्रई, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रई, रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, जो कि क्या करता है, ओवम को रिसीव करता है ओवरी से ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से उसको रिसीव करता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट इच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मतलब जो भी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है, और स्टेटमेंट अगर गलत है तो उसको मतलब रीज़न दीजिए और उसको सही कीजिए। फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टोरी सेल, सर्टोली सेल। क्या एंड्रोजन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है, ये क्या हो गया, फॉल्स होता है। बिकॉज एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल्स। एंड्रोजन किससे प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल से, सर्टोली सेल से नहीं होता है। ये ऑप्शन फॉल्स था, इसको हम लोगों ने बिकॉज दे करके इसको सही कर दिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, बी नंबर में स्पर्मेटोजोआ गॉट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। क्या स्पर्मेटोजोआ होता है न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से मिलता है उसको, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई गलत है नहीं तो सही करना है, ये ट्रू है तो बस ट्रू लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। क्या लीडिंग सेल ओवरी में फाउंड होता है, नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि लीडिंग सेल किस में होता है, टेस्टिस में पाया जाता है, जो कि मेन में पाया, मेल पार्टनर में पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। बिकॉज लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन। क्या लीडिंग सेल एंड्रोजन को सिंथेसाइज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोनेसिस टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। क्या ओजोनेसिस कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ओवरी, क्योंकि ओजेनेसिस ओवरी में होता है।
आगे देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी टाइम में बंद हो जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रू, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, जी नंबर, प्रेसेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट ए रियलाइजेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो आप बताए थे कि जो हाइमेन होता है कभी कभी जो होता है रैप्चर हो जाता है ड्यू टू साइकिलिंग और वॉकिंग और सडन फॉल की वजह से भी, तो ये नहीं है कि मतलब प्रेसेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ द सिंबल ऑफ इंडिकेटर, सिंबल या इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, विच हार्मोन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीच में गलत हो गया था काट दिए थे, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और कौन सा हार्मोन मतलब रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। चलिए इसको देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल प्राइमेट, जो कि फीमेल प्राइमेट में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल मंकी एप एंड ह्यूमन, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ये किस में होता है, द पीरियड बिटवीन मीनार्च एंड मेनोपॉज, और मीनार्च किसको कहा जाता है, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्च एंड द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, तो उस बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, जो कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन अकर होता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलिए देखते हैं आगे, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज इज कॉल्ड मीनार्च, जैसे कि मैंने बताया जो कि पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं। एंड देखते हैं, द डिस्चार्ज रिमूवल ऑफ ब्लड मिक्सचर थ्रू वेजाइनल पैसेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और जो डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज जो रिमूवल होता है, जो कि इंडोमेट्रियम वाल का जो टूट जाता है रैप्चर हो जाता है, तो वो मिक्सचर होता है जो ब्लड का मिक्सचर होता है जो वेजाइनल पैसेज से बाहर आता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो क्या क्या हार्मोन उसमें रेगुलेट होता है, क्या क्या हार्मोन का फंक्शन होता है उसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन द मेंस्ट्रुएशन फेज इज कंट्रोल्ड, जो कि जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो लो लेवल यानी कि कम मात्रा में जब हार्मोन सीक्रेट होने लगता है तो उसी के द्वारा मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ FSH एंड LSH द फॉलिकुलर फेज ऑफ दिस साइकिल इज कंट्रोल्ड, जो कि FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो क्या होता है, इंक्रीज्ड लेवल होता है, उसके कारण क्या होता है, फॉलिकुलर फेज जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो कंट्रोल्ड होता है। हिंस ग्राफियन फोलिकल इज़ फॉर्म्ड फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, इसीलिए क्या होता है, ग्राफियन फोलिकल होता है जिसमें क्या बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। चलिए आगे देखते हैं, एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिपेयर यानी कि इंडोमेट्रियम वाल के जो टूटता है होते भी तो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तो उसी के रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि इंडोमेट्रियम किसका वाल है, इंडोमेट्रियम इज़ द वाल ऑफ यूटेरस यानी कि गर्भाशय का एक वाल होता है यानी लेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं, मैक्सिमम इंक्रीज्ड लेवल ऑफ LH इज कंट्रोलिंग टू द ओवुलेटरी फेज इज ओवुलेशन टेक्स प्लेस एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी, जो कि मैक्सिमम LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जब बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, कंट्रोलिंग टू द ओवुलेटरी फेज, जो कि ओवुलेटरी फेज होता है जिसमें ओवुलेशन अकर्स होता है, ओवुलेशन होता है उसमें ये कंट्रोल करता है कौन, LH हार्मोन यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, कॉर्पस ल्यूटियस इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी, जो कि ओवरी के अंदर फॉर्म होता है यानी बनता है। आगे देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन विच इंक्रीजेज जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है और मेंटेन्स यानी मेंटेन करता है द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम डैट इज़ कंट्रोल द सिक्रेटरी फेज, जो कि थिकनेस यानी कि इंडोमेट्रियम वाल का जो थिकनेस होता है उसको कंट्रोल करता है, और डैट इज़ कंट्रोल द सिक्रेटरी फेज, जो कि सिक्रेटरी फेज होता है उसको कंट्रोल करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। आप लोग याद रखिएगा कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, किस फेज में सिक्रेट होता है,
ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है, और ये तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और तो हम तीन बार, ये तो हम लोग का थर्ड डिवीज़न चल रहा है, क्योंकि पहले तो एनसीईआरटी रीडिंग किए, फिर नोट्स पढ़े हम लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब हम लोग तीन बार चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है, तो इसके कारण हम लोग को कुछ पूरा याद ही हो जाएगा पूरा। आप लोग एक बार पूरा से शुरू से देख लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, इससे चैप्टर पूरा याद ही हो जाएगा। तीन बार कोई भी चीज़ पढ़िएगा ना तो हमेशा याद ही रहता है, भूलता कोई नहीं है इंसान। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर डाइट कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स एंड प्रोगेस्टेरोन लेवल इज डिक्रीज। और उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट यानी कि रैप्चर हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, और प्रोगेस्टेरोन लेवल इज डिक्रीज। और जो प्रोगेस्टेरोन का जो लेवल होता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का, वो क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टू स्टार्ट द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके कारण अगला यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। व्हाट इज पार्चुरेशन, ये पार्चुरेशन क्या होता है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शंस ऑफ पार्चुरेशन, और कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है पार्चुरेशन के लिए, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, आफ्टर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जो कि गेस्टेशन पीरियड होता है कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का, डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल टेक्स प्लेस, जिसके कारण क्या होता है, फीटस का डिलीवरी होता है यानी बर्थ कैनाल, थ्रू द बर्थ कैनाल, इट मीन्स द वजाइनल पैसेज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्चुरेशन बोलते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में समझते हैं, जब बेबी बर्न होता है यानी आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड फीटल, यानी कि बेबी जब बर्न होता है, बोर्न होता है, जन्म लेता है बर्थ कैनाल यानी वजाइनल पैसेज के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्चुरेशन बोलते हैं। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, और ये किसके द्वारा इंड्यूस होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होता है। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय फुल्ली डेवलप फीटस, और जो सिग्नल होता है मतलब क्या चीज़ के लिए, पार्चुरेशन के लिए, किसके द्वारा इंड्यूस होता है, फुल्ली डेवलप फीटस, जिसको फुल्ली डेवलप्ड फीटस के लिए, और प्लासेंटा, जो प्लासेंटा रहता है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, प्लासेंटा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सिंबल सिग्नल रहता है, विच इंड्यूस द मिल्ट यूटेराइन, जो कि इंड्यूस क्या करता है, मिल्ट यूटेराइन को, और मिल्ट यूटेराइन कंट्रैक्शन यानी कि जो कंट्रैक्शन दबाव रहता है उसको करता है, इसको कहते हैं एंड कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये रिफ्लेक्स क्या ट्रिगर्स करता है, क्या चीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज करता है, क्या से, मेटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, फ्रॉम हार्मोन, फ्रॉम यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है, फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो काउजेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यह क्या काउज करता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन यानी कि मजबूती से, इसका मतलब मजबूत यानी मजबूत कंट्रैक्शन इसमें बनाता है, लीडिंग टू बेबी बर्थ हो गए, हम बॉडी बर्थ लिख दिए हैं गलती से, आप बेबी बर्थ लिख लीजिएगा, कंटिन्यूस टू यहाँ बेबी बर्थ होगा, ठीक, बेबी बर्थ, हिंस ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इसीलिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी, और जो रिलैक्सिन हार्मोन है कहाँ सिक्रीट होता है, ओवरी से, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ बर्थ कैनाल टू इजी चाइल्ड बर्थ, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्सेशन इन आरामदायक ऑफ बर्थ कैनाल, जो कि बर्थ कैनाल यानी आफ्टर द बेबी बर्थ देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन अकर्स इन द मदर वजाइनल पैसेज एंड डैट हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज विच गिव रिलैक्सेशन टू द बर्थ कैनाल टू इजी चाइल्ड बर्थ, दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 19। इन आवर सोसाइटी द वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस नॉट ट्रू। जैसे कि हम लोग समाज में देखते हैं क्या होता है कि यानी कि वुमेन यानी कि औरत लोग को यानी कि फीमेल पेरेंट को ही मतलब ब्लेम किया जाता है कि वो मतलब डॉटर को जन्म दे रही है या सन को जन्म दे रही है, यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है कि पहले होता था यानी कि फीमेल फोर्टिसाइड होता था, जिसमें कि फीमेल यानी कि फीमेल चाइल्ड यानी फीमेल बेबी को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो ये क्वेश्चन किया गया है कि मतलब क्या ये मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि मदर चाइल्ड ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है या फादर चाइल्ड ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखे थे, उसी का आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखना है इसमें। देखिए आंसर है इसका, इन आवर सोसाइटी
इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में द वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डाउटर, जो कि हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब वुमेन यानी फीमेल पेरेंट ही मतलब ब्लेम किया जाता है कि जो कि डाउटर्स यानी कि बेटी यानी कि जिसको कहते हैं गर्ल चाइल्ड को जन्म दे रही है, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, बिकॉज वुमेन प्रोड्यूस ओनली वन एक्स टाइप ऑफ ओवा। देखिए हम लोग जैसे कि पढ़े हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, हम लोग पढ़े थे कि मतलब फीमेल पेरेंट में क्या होता है एक्स एक्स होता है और मेल पेरेंट में क्या होता है एक्स वाई होता है। और इसमें क्या देखे थे हम लोग कि कोई भी कंडीशन में जो फीमेल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा ओवा उसमें क्या रहेगा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। लेकिन अगर मेल पेरेंट में देखें तो अगर मेल पेरेंट में देखते हैं तो एक्स एक कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम होता है और एक कंडीशन में वाई क्रोमोसोम होता है। अगर अगर एक्स क्रोमोसोम अगर प्रोड्यूस होता है तो अगर फीमेल से तो एक्स ही निकलेगा ना किसी भी कंडीशन में, तो एक्स एक्स प्रोड्यूस करके क्या बनाएगा फीमेल चाइल्ड बन जाता है जिसको गर्ल चाइल्ड बनता है। और अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो इसमें तो हर एक कंडीशन में एक्स ही निकलेगा फीमेल पेरेंट से, तो इसमें क्या बनता है मेल चाइल्ड बन जाता है, इसीलिए बताया गया इसी के बारे में। चलिए इसको देखते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं लैंग्वेज में कैसे लिखना है। देखिए इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, बिकॉज वुमेन प्रोड्यूस ओनली वन एक्स टाइप ऑफ ओवा, जो कि वुमेन क्या प्रोड्यूस करती है एक्स टाइप ऑफ ओवा प्रोड्यूस करती है, बट मेन प्रोड्यूस टू टाइप्स लाइक एक्स एंड वाई टाइप ऑफ स्पर्म। जैसे कि हमने बताया कि मेल क्या प्रोड्यूस करता है एक्स और वाई दोनों टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस करता है। एंड वेन एक्स टाइप स्पर्म इज़ फर्टिलाइज टू ओवम, और जब अगर एक्स टाइप का मतलब ओवम मतलब स्पर्म फर्टिलाइज होता है ओवम से फर्टिलाइज टू ओवम देन डाउटर इज ऑब्टेंड। अगर एक्स एक्स फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा डाउटर, डाउटर यानी फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होती है। बट व्हेन वाई टाइप ऑफ स्पर्म इज़ फर्टिलाइज, लेकिन जब वाई टाइप का स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो उसमें क्या बनता है ओवम देन सन इज ऑब्टेन, तब एक्स और वाई अगर क्योंकि गर्ल चाइल्ड मतलब फीमेल पेरेंट्स होते हैं हमेशा एक्स ही निकलेगा, तो अगर इसमें वाई टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या बनेगा मेल पेरेंट यानी कि मेल यानी सन का प्रोडक्शन होगा। ठीक चलिए आप 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ए ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ। देखिए एक मंथ में यानी वन मंथ में एक जो वुमेन यानी कि ह्यूमन या वुमेन होगा ठीक वुमेन मतलब औरत में कितना ओवरी से मतलब एग्स निकलता है रिलीज होता है। ठीक तो हम लोग जानते हैं कि हर एक मेंस्ट्रुएशन में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही ओवम रिलीज होता है, और लेकिन हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 to 29 डेज का इंटरवल में होता है जो कि वन मंथ माना जाता है, तो इसमें क्या होगा आंसर ओनली वन ओवम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए इसमें कहा गया है कि क्या आपको क्या लगता है कि जब आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो उसमें मतलब हाउ मेनी मतलब कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल पेरेंट के द्वारा, इसमें कहा गया है ओनली वन ओवम, जिसमें कि ओनली वन ओवम ही प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें अगर डेवलपमेंट हो जाएगा अगर डबल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसमें ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चा का जन्म होता है। ठीक आगे देखते हैं, वुड यू आंसर चेंज इफ़ द ट्विंस है बिन वेयर फैटर्नल, फैटर्नल का लिखा गया यानी कि क्या आपको लगता है कि मतलब जो चेंज होता है ये ट्विंस में तो क्या फैटर्नल होता है, तो इसमें क्या होता है टू ओवा के द्वारा ही मतलब इसमें जो प्रोड्यूस होता है क्या कहते हैं ट्विंस यानी आइडेंटिकल चाइल्ड, यानी कि जो आइडेंटिकल चाइल्ड होता है आइडेंटिकल यानी कि सेम आइडेंटिकल यानी कि जो ट्विंस होता है ना ट्विंस में भी आइडेंटिकल होता है, यानी जो ट्विंस हो गया ना तो अगर कोई कोई चाइल्ड होता है अगर ट्विंस होता है ना तो अगर इसको बुखार लग गया ना तो इसको भी बुखार लग जाता है, अगर इसको तबीयत खराब हो गया तो इसका भी तबीयत खराब होता है, ये जैसा हरकत करेगा वैसा ये भी हरकत करेगा, ये आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, इसमें टू ओवा का रिलीज होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्विंस होते हैं उसमें सिंगल ओवा से ही प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कि आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं, उसमें मतलब इसको अगर कुछ भी हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है इसमें अगर ज़रा सा भी चेंज आया तो इसमें भी उसी तरह सेम टाइप ऑफ चेंज दिखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वे आर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग व्हेन विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। जैसे कि हम लोग डॉगी में और या फिर जैसे बकरी में भी होता है यानी गोट जिसको कहते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि मतलब एक बार में यानी कि एक बार में 6 पपीज़ यानी 6 अगर मतलब 6 पपीज़ कुत्ता का बच्चा को हम लोग पपीज़ कहते हैं, तो अगर पपी का जन्म देते हैं तो बताइए कितना मतलब फीमेल पेरेंट से कितना ओवम रिलीज होगा।
तो ये मामूली सी बात है, क्योंकि अगर सिक्स बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें सिक्स ओवम रिलीज होगा तभी तो सिक्स जन्म लेगा ना। लेकिन इंसान में क्या होता है, ओनली वन ओवम रिलीज होता है, इसलिए वन बार में ओनली वन बेबीज बॉर्न होता है। और इसमें एक्सेप्शन केस है जिसमें कि ट्विंस का जन्म होता है, जिसमें कहा गया है कि अगर कुत्ता का बच्चा में एक बार में अगर सिक्स पपीज जन्म ले रहे हैं तो बताइए कि उसके माँ के गर्भ से मतलब कितने ओवम रिलीज हुए होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सिक्स एक्स, दैट इज़ द आंसर। नाउ हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर थ्री का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लिए। और हम लोग कल से क्या देखेंगे, कल से चैप्टर नंबर फोर देखा जाएगा। कल आज चैप्टर नंबर थ्री हम लोग कंप्लीट कर लिए और कल से चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ उसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और जो कि वो भी रिप्रोडक्शन का ही एक लास्ट लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में चार चैप्टर थे, रिप्रोडक्शन यूनिट में चार चैप्टर थे, जो कि तीन चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और कल से हम लोग लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर फोर शुरू करेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप लोग इफ़ यू आर न्यू माई ऑन चैनल, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बी अपडेटेड। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।